का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब तक ये कुल 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में 48 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 22 मामले मिल चुके हैं और इसी के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 17 मामले मिल चुके हैं, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 20, गुजरात में 7 और केरल में 11, साथ ही उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1-1 ओमिक्रॉन का संक्रमित मिला है। वहीं ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए विशेषज्ञों ने फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सबसे खराब स्थिति आएगी तो दैनिक 1 लाख से ज्यादा मामले आने की संभावना है। तो ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि संख्या ओमिक्रॉन संक्रमितों की बढ़ रही है, साथ ही 12 राज्य अब भारत में ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन फैल चुका है। आपको बता दें 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं, दिल्ली में भी 22 मामले मिल चुके हैं और सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर 48 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। उत्तराखंड के लालकोट विधानसभा क्षेत्र के एक गोलापार क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली प्रस्तावित रैली को भव्य बनाने की बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, साथ ही रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, 24 दिसंबर को यह दौरा है, उसको लेकर पीएम की मोदी की रैली की तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर एक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे ज़िले में आएंगे, नैनीताल ज़िले में आ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र गोलापार में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी। क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूँकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं, हर आदमी की इच्छा है उनसे के विचार सुने, उनकी बातों को सुने। वो देश को इतनी आसानी से कैसे चला रहे हैं इतनी साधारण से बाद, ये सब भी देखने की एक बहुत बड़ी बात होगी। उत्तराखंड में चुनाव का दौर तेजी से बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में रुड़की की पिरान कलिया विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम के जमीन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम इंजीनियर शादाब आलम के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मीडिया को संबोधित किया और इसके बाद पिरान कलिया विधानसभा के गाँव रांगड़ वाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहती हैं कि उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर लोगों को सहूलियत मिले, इसीलिए वो उत्तराखंड के लोगों को फ्री सहूलियत देने पर टिप्पणी करते रहे हैं, पर अब उत्तराखंड की आवाम पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी है और 2022 में भारी बहुमत से उत्तराखंड में भी आपकी सरकार बनने जा रही है। तो लगातार आपको बता दें चुनावी दौरे जारी हैं। कैंप कार्यालय राजेंद्र गौतम पहुंचे जहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर ये निशाना साधा है।
तो आपको बता दें कि रुड़की में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। पूरे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पिरान कलिया विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम की जमीन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम इंजीनियर शादाब आलम के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले मीडिया को संबोधित किया और उसके बाद पिरान कलिया विधानसभा के गांव रांगड़ वाला में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती कि उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर लोगों को सहूलियत मिले, इसीलिए उत्तराखंड को अब फ्री सहूलियत देने पर हम टिप्पणी करते रहे हैं, पर अब उत्तराखंड की आवाम आम आदमी पार्टी के साथ है और इसीलिए 2022 में भारी बहुमत से उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने जा रही है। बच्चों के सपनों को भी साकार करने के लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो अपने चुनाव में किए हुए वायदों को पूरा करे। तो लोग उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं, उनको विकल्प की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का काम का मॉडल है वो विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएंगी। आम आदमी पार्टी इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है और जितना समर्थन उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, ये भरोसा बन पड़ा है कि उत्तराखंड में बदलाव आने वाला है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं। खबरों की माने तो इस मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं मारे गए आतंकी की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के दो दहशतगर्दों को ढेर कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आपको बता दें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में हंस सेंटर कॉलेज परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना काल में अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्त्री और मंगल दल को सम्मानित किया। इसी के साथ ही पर्यटन और लोक निर्माण विभाग की 5,88,58,000 की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पौड़ी की, जहां पर चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र को ये बड़ी सौगात मिली है। दरअसल सतपाल महाराज ने करोड़ों की जनता को सौगात दी है। कोरोना योद्धा को जिन्होंने हमारे देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मदद की कोरोना से लड़ने में, पूरे उत्तराखंड को उबारा, आज उत्तराखंड सरकार आपका अभिनंदन करती है, आपका सम्मान करती है, आपका वंदन करती है। मेरे मन में हमेशा ये रहा कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने आप को समर्पित करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके और समाज की सेवा की है, ऐसे योद्धाओं का निश्चित रूप में सम्मान होना चाहिए। आज वो दिन आया है कि हम सभी योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, हमें परम हर्ष हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये प्रोत्साहित करते रहे कि जिन्होंने हमारे राज्य की सेवा की है कोरोना काल में, उनका सम्मान होना चाहिए। पौड़ी भ्रमण के दौरान देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली के संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है और लोग लगातार बीजेपी को चुनकर आगे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से लोगों के
लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि लोग लगातार बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब पूरे देश में जो कांग्रेस की हालत है वो देख तो रहे आप, क्या हालत है आज कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है। और अब लोगों ने मन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, मोदी जी को नेतृत्व फिर एक बार, लोग चाहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भाजपा की बननी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने सभी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया है। जैन ने कहा कि कभी भी शासन की तरफ से चुनाव आचार संहिता जारी हो सकती है। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है वो मतदाता सूची का बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रोल तैयार कर दिए गए हैं और सभी बीएलओ ड्राफ्ट रोल के तहत फिर से वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 58 विधानसभा नैनीताल के अंतर्गत सहायक निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं, जो अपने अपने बूथों पर जाकर बीएलओ के सुपरविजन में दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में आपको बता दें अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे मैं 58 जो विधानसभा है उसका, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, सीओ साहब भी साथ में हैं, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक आ गए हैं, कभी भी हो सकता है इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएं, तो हमारी तैयारी एकदम सक्रिय रूप से चल रही है अब। और सभी बूथ पे हमने बीएलओस को भी एक्टिवेट कर रखा है 1 दिसंबर तक, क्योंकि जो वोटर लिस्ट में ऐड होने थे फॉर्म 6, फॉर्म 8, ये भी हमारे द्वारा भरवाए गए। पौड़ी विधानसभा में पूर्व विधायक ब्रजमोहन कोटवाल की पत्नी विजयलक्ष्मी कोटवाल ने पौड़ी विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है। पौड़ी में पत्रकार वार्ता के दौरान विजयलक्ष्मी कोटवाल ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय ब्रजमोहन कोटवाल की तरफ से जनता की आजीवन सेवा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि उनके पति की तरफ से विधायकी के कार्यकाल में अपने विधानसभा के अंतर्गत कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफी भावुक भी हो गई और कहा कि वो एक शिक्षिका हैं और क्षेत्र की समस्याओं से बखूबी वाकिफ करती हैं। तो आपको बता दें कि पौड़ी विधानसभा से दावेदारी के लिए, सीट की दावेदारी के लिए टिकट उन्होंने मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पति ने विधायकी के अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, जनता की समस्याएं सुनी थी और क्षेत्र की समस्याओं से मैं भी बखूबी वाकिफ हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं, इसलिए मुझे पता है कि लोगों की क्या कुछ समस्या है, कैसे लोग परेशान हैं और इसीलिए टिकट की दावेदारी यहाँ पर मैं मांगती हूँ। सेना से निवृत्त होकर के पार्टी की तन मन धन से सेवा की है, पार्टी ने भी उन्हें सम्मान दिया है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन 2 बार पार्टी ने उनका टिकट काटा है। वो सबसे योग्य उम्मीदवार थे, पूर्व सैनिक थे, स्वच्छ छवि के और बहुत ही सरल मिजाज और विनम्र इंसान थे, फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काटा, लेकिन उन्होंने फिर भी पार्टी का विरोध नहीं किया और तन मन धन से पार्टी के कार्य में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा दत्त पांडे का 1983 में उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए काफी योगदान रहा है। उन्होंने संगठन स्तर पर बीजेपी के विकास और में कार्यक्रमों और जनसेवा से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं तारा दत्त पांडे ने कहा कि कोटाबाग कालाढुंगी के स्थानीय व्यक्तियों को टिकट मिलने से स्थानीय नेतृत्व को बल मिलेगा। पार्टी के धरातल पर कार्य कर रहे जुजारू वरिष्ठ कार्यकर्ता को विधायक के लिए टिकट देना ही पार्टी की नींव को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा।
तारा दत्त पांडे ने पार्टी को विस्तार देने के लिए जमीनी तौर पर कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विकास को बढ़ावा देने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति को टिकट मिलने का उन्होंने पार्टी से निवेदन किया है और अंतिम रूप से पार्टी के निर्णय को अहम भी बताया है। तो आपको बता दें कि तारा दत्त ने काराढुंगी से टिकट मांगा है, साथ ही आपको उन्होंने कहा है कि पार्टी का निर्णय अहम रहेगा। मोटापा कालाढुंगी से भी कभी टिकट पार्टी नहीं मिला, बार बार हमने आग्रह किया है क्योंकि मैंने जमीनी स्तर से कार्य किया है, मेरे हर कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और उनका भी एक दबाव है कि आप भी चुनाव लड़ने का भी भविष्य में और मेरे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, लेकिन ये तो खाली मामले से छोटी सी बात है। हमने आप लोगों से कहा, पत्रकार बंधु का मैं आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि विकास खंड से कोटाबाग से लेकर हमारे पास यहाँ वोटे हैं और यहाँ का आज तक विधायक नहीं बना। पार्टी किसको टिकट देगी? पार्टी का हमारा, हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट दे, हमारे धरातल कार्यकर्ता को टिकट दे। हमारी योग्यता है, हम जन मतलब जब यहाँ पर कोई नहीं होता था तब से हम संगठन खालीराम सत्य तमाम सारे कार्यकर्ता, जब दो तीन लोग हम होते थे, हम उस समय से कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।